बात सब बोलते हैं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन किसी ने क्या गांव में जाके देखा समस्या किसी की? जितने बोलते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, अध्यापक वहाँ पे किस हाल में रह रहे हैं क्या किसी ने देखा? बच्चे किस हाल में रह रहे हैं क्या किसी ने देखा? लेकिन कुछ कमियां होंगी तो सरेआम उनकी इज्जत पे हाथ डाला जाता, लेकिन वो शिक्षक किस हाल में बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है, गांव में असुविधाओं में भी अच्छी शिक्षा दे रहा है वो कोई नहीं देख रहा है। आज सब गांव की पीड़ा महसूस कर रहे हैं, सब शहरों में आके रह रहे हैं, तो क्या किसी ने ये देखा है कि जो लोग यहाँ पढ़ के बसे हैं अभी, कि उस समय सालों पहले किस स्थिति में गांव में टीचर गए होंगे और किस स्थिति में उन्होंने बच्चों को शिक्षित किया होगा? आज सब कमियां गिनाते हैं कि ऐसा है वैसा है, और मेरा सरकार का ही हर चीज का दोष नहीं होता है, इसमें हमारा भी जनमानस का भी दोष है कि वो किस तरह से हम अपने संस्कृति को अपने संस्कारों को अपने क्षेत्र को उन्नति की ओर ले जाते हैं। सरकार की इतनी कमी जरूर है, जिसकी भी सरकार रही होगी, कि इतनी कमी जरूर है कि गाँवों में शिक्षक की अच्छी गुणवत्ता के स्कूल नहीं है, शैक्षणिक संस्थान नहीं है, अस्पताल नहीं है, जिस कारण इनको पलायन करना पड़ रहा है। और अगर गांव में सारी सुविधाएं होंगी तो क्यों पलायन करेगा आदमी? वो अपनी खेती बाड़ी भी करता है, अपनी पशुपालन भी करता है, अपने जो उद्योग धंधे छोटे मोटे वो भी करता है, लेकिन किस हालत में ये असुविधाओं में कैसे कर पाएगा आदमी? वहाँ की स्त्रियाँ हों बेटियाँ हों बच्चे हों हर काम में सुदृढ़ होते हैं और अपने काम मजबूती के साथ करते हैं, लेकिन जब असुविधाएँ होती रहेंगी तो आदमी कहाँ से कोई अपना रोजगार खोलेगा अपना कार्य करेगा? अब बच्चे पढ़ने के लिए शहर में आते हैं तो वो शहर के हो जाते हैं, गांव जाते हैं तो कोई काम नहीं कर सकते हैं। अगर रहे वो गांव में तो कैसे नहीं वो गांव से काम से जुड़े रहेंगे और अपना काम करेंगे? दूसरी बात, एक सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि मूल निवासी और भू कानून का होना बहुत जरूरी है। मैं 25-26 साल तक गांव में बहुत दूरस्थ गांव में रही हूँ और मूल निवासी प्रमाण पत्र न होने के कारण मेरा स्थानांतरण नहीं हुआ। फिर भू कानून क्या अगर नियम होता तो मेरा घर न बिकता, मेरे घर बिका, मैं दूर थी। लेकिन ये समस्या किसने देखी? कोई नहीं देखता है, केवल बोलने के लिए, केवल सरकारों को हम दोष नहीं देंगे। हाँ, जहाँ पे सरकार का जो दायित्व है वो सरकार को निभाना चाहिए, स्कूल खोले इस गांव में और रोजगार दे बच्चों को, पलायन न करना पड़े घर से, और अच्छे अच्छे वो हैं गांव में, फसल हो सकते फल हो सकते सभी चीज़ है। लेकिन दूसरी बात कि मैं कहती हूँ कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरी ते नर न घनेरे, दूसरे को उपदेश देने वाले बहुत होते हैं लेकिन जो खुद आचरण उस तरह का करते हैं वो लोग बहुत कम होते हैं, और बातों का असर भी उनका ही होता है जिनका जैसा स्वयं का आचरण होता है वो उस ढंग के बात में है, तो वही वो है कि क्या है मतलब उनकी बातों का असर भी होता है। अब बोलने के लिए तो अब सालों साल से बोल रहे हैं लोग, तो क्या असर पड़ा? 22 साल हो गए, 21-22 साल उत्तराखंड राज्य को बने हुए, उत्तर प्रदेश से बदतर स्थिति अभी उत्तराखंड की हो गई है, जहाँ अपनी माँ बहनों को माँ बहन नहीं समझा जा रहा है, बच्चों का भविष्य रोज बेरोजगारी के उस पर लटका दिया है। परसों एक बच्चा इतना फूट फूट के रो रहा था, बॉबी पवार मतलब इतना दुख हो रहा था कि मैं क्या करूँ, मेरे कुछ बस की होती मैं कुछ करती, तो मतलब ये बच्चों को बहुत कमजोर कर दिया गया है, वो बेरोजगार रख के भी, और उधर से अपनी खेती बाड़ी जो उनकी जो परिश्रम करने की आदत थी वो भी छूट गई है, और बच्चा बहुत ही असहाय और कमजोर हो गया है। तो मैं सरकारों से यही उम्मीद करूँ कि जो भी है वो गांव की ओर अच्छी व्यवस्था करें। हम भी रहे हैं टाट पट्टी में, रहे स्कूल के कमरे में, रहे हमारे माँ पिताजी भी टीचर रहे मेरे, और हम स्कूल के एक कमरे में स्कूल लगता था, एक कमरे में हम रहते थे, तो रहने की आदत होनी चाहिए। ऐसा सुविधाएं ढूंढते रहेंगे तो कभी कोई उन्नति नहीं करेगा। भगीरथ भी नदी तभी लाए जब उन्होंने राजपाट छोड़ करके तपस्या की, तो हर अच्छाई के लिए अपने सुख सुविधाएं छोड़ो, दूसरों की उन्नति
गलती करो उसी में आपका वो है। बिल्कुल भी अपने आप पे शक महसूस नहीं होती कि मैं कर्नाटका इंग्लिश नहीं बोल पाता। और मेरे बच्चे इस समय इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, और मैं बहुत बार अपनी ग्रामेटिकल जो भी मिस्टेक्स होती है उसके लिए मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ कि क्या ये इंग्लिश में मैंने जो लिखा है ठीक है, एक बार जरा चेक करो, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ। तो हम ये बार बार सिर्फ ये कहते रहे कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए हम नहीं कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक आम आदमी का भी दोष है। और दूसरी बात मैं बार बार कहना चाहूँगी कि हम लोग महिला एम्पावरमेंट की बहुत सारी बातें यहाँ पर कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं होगी उनका एम्पावरमेंट होना आसान नहीं है, जब तक तो आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं होगी। जब तक आप अपनी जरूरतों के लिए अपने भाई अपने पिता या अपने पति पर जब आप डिपेंडेंट रहेंगे तो आप समाज में निकल कर काम कैसे करेंगे। जब हम लोग समाज में निकलते हैं तो बहुत सारे खर्चे हमारे ऊपर आते हैं, बहुत सारे लोग हमसे आशा रखते हैं कि हमें कुछ मैम हमारे लिए कुछ हेल्प कर पाएंगे। जब हम खुद के लिए कैपेबल नहीं हैं और हम अपने खर्चों के लिए पति पर डिपेंडेंट हैं या पिता पर या पुत्र पर डिपेंडेंट हैं, तो हम कैसे दूसरे लोगों की सहायता कर सकते हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि आपको सबसे पहले तो खुद पर डिपेंडेंट होना, खुद इंडिपेंडेंट होना। फिर मैं कहना चाहती हूँ सरकार को, बहुत सारी चीज़ें सरकार योजनाएं लेकर आती है लेकिन महिला एम्पावरमेंट के लिए ग्राउंड पर कोई काम नहीं किया जाता। कुछ सालों पहले ये कहा गया था कि ऑल वुमेन बैंक खुलेंगे जिसमें महिलाओं के लिए स्पेशल योजनाएं चलाई जाएंगी, उनको कम उस पर इंटरेस्ट पे लोन दिया जाएगा, सारी चीज़ें। वो महिला जो बैंक थे वो आज कहाँ रह गए, ऊपर शगुफा था वो मोदी जी ने छोड़ा और उसके बाद वो खत्म हो गया। एक आध बैंक का मुझे पता चला देहरादून में खुला हुआ है, मैं भी वहाँ पर गई, उसके बाद वो बैंक ही खत्म हो गया। यानी कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ग्राउंड पर बिल्कुल जीरो पॉलिसी सरकारों की है, चाहे वो कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी किसी भी वोटर किसी की भी सरकार। हम लोग महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की बात नहीं करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो महिलाओं के लिए जो लोन होना चाहिए, खासतौर पर जो महिला अपना उद्यम करना चाहती है। देखिए मैं फिर बोलूँगी कि हर एक को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती और हर एक को दूसरी नौकरियाँ भी नहीं मिल सकती। अगर कोई महिला स्वरोजगार में आना चाहती है तो उसको कम से कम ऋण दिया जाए, जबकि बिना इंटरेस्ट का लोन उसको दिया जाए, अगर हम आगे महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। और दूसरा मैं जरूर कहना चाहूँगी अंकल महोदय कि महिलाएं वो होती हैं जो अपना पेट काट कर भी आपका लोन वापस करती हैं, बहुत ईमानदारी के साथ लोन वापस करती हैं। जितने भी लोन लेके इंग्लैंड अमेरिका भागे उनमें से कोई महिला नहीं भागी, कोई लेडी नहीं भागी आज तक लोन लेके। तो मैं इस बात को समझती हूँ कि जीरो इंटरेस्ट पे महिला उद्यमियों को लोन दिया जाए, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर करने के लिए उनके लिए योजनाएं चलाई जाए, बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट पे उनको लोन दें। और जब जितनी महिलाएं घर से बाहर निकलकर या अपने घर पर रहकर छोटे छोटे स्वरोजगार करेंगी उससे हमारे देश की आर्थिकी बहुत मजबूत होगी। 50% आबादी है जो घरों में बैठकर से रोटियां बना रही है। मैं घरेलू महिलाओं को डिमोटलाइज नहीं कर रही हूँ, मैं खुद घर में खाना भी बनाती हूँ, घर के सारे काम करती हूँ, उसके बाद मैं अपना जो मेरा अपना बिजनेस है ना वो भी करती हूँ। मैं घरेलू महिलाओं को डिमोटलाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि सिर्फ रोटी ही में मत बनाते रह जाओ, सिर्फ रोटी ही बनाना आपका एकमात्र काम नहीं है। आप घर में जो आर्थिकी है उसको भी आप अपने कंधे पर महसूस कीजिए और अपने पतियों की अपने भाइयों के कंधों को थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश कीजिए। तो मैं ये कहती हूँ कि सरकार को 0% इंटरेस्ट पे लोन सभी महिलाओं के लिए देना चाहिए, विमेन फ्रेंडली स्कीम्स बनानी चाहिए, महिला छात्रावास हर जिले में हर सिटी में होना चाहिए, जहाँ पर की जो पढ़ने वाली महिलाएं हैं या जो महिलाएं नौकरी करने के लिए गई हैं उनको वहाँ पर सेफ माहौल मिले। हम अपनी बेटियों को इसलिए बाहर नहीं भेज पाते कि वो अकेले कहाँ रहेंगे। तो ये कुछ मुद्दे हैं जैसे कि बलूनी मैडम ने कहा कि आप उनको निश्चित कीजिए और सरकार तक आप उनको पहुँचाइए। महिला छात्रावास होना और महिला ओरिएंटेड खासतौर पर रोजगार ओरिएंटेड काम होना बहुत जरूरी है। हमारी आधी आबादी हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है, मैं समझती हूँ आधी आबादी को भी देश का हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें उसका भी श्रम जरूर आना चाहिए। सभी आगंतुकों को नमस्कार। मैं भागीरथ शर्मा जर्नलिस्ट हूँ और करीब 20 साल से स्टेट में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। देखिए बड़ा अच्छा विषय आईपा ने दिया है और ये हकीकत है कि उत्तराखंड के 1000 से ज़्यादा गांव गैर आबाद हो गए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विधानसभा में सरकार की तरफ से बताया गया। और दूसरी ओर जो बेरोजगारी की दर है पिछले 5-7 वर्षों में वो 15-20% की दर से बढ़ गई है। आज की तारीख में देखें तो लगभग 8 लाख से अधिक
पंजीकृत बेरोजगार उत्तराखंड में है। और बड़ी चिंता की बात है, हमारे पास ऐसे विजनरी लोग जो नीति नियंता हैं वो है नहीं, तो 1000 गांवों का गैर आबाद हो जाना बड़ी चिंता की बात होती है। एक किसान अपने खेत में कुछ गड्ढे खोद चुका था, 4-5 गड्ढे, करीब 5-6 फीट के, तो एक सज्जन वहाँ से गुजरे, बोले कि खेत में ही इतने गड्ढे क्यों खोदती, यहाँ तो फसल उगाई जानी चाहिए। तो वो बोलता है कि मैं कुआं खोद रहा हूँ। कुआं खोद रहे हैं इतनी जगह, इतने कुएं? बोले नहीं, मैंने एक जगह खोदा, 5-6 फीट खोदा, पानी नहीं निकला, फिर दूसरी जगह खोदा, पानी नहीं निकला, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, अब फिर नई जगह खोद रहा हूँ, शायद यहाँ निकल जाए। तो समझदार व्यक्ति ने उसको कहा कि भाई तुमने ये 5 गड्ढे खोद दिए अलग अलग जगह, अगर तुम एक ही जगह 5 ये खोदे होते तो 25 फीट खोद गया होता, पानी तो आ जाता। तो हमारे प्रदेश में दिक्कत ये रही है कि हम ऐसे गड्ढे खोद रहे हैं, हमारा फोकस, हम सपने दिखा रहे हैं, कभी पर्यटन प्रदेश, कभी हम इसको आयुष प्रदेश और कभी ऊर्जा प्रदेश, तो इस तरह से हो रहा है, लेकिन फोकस नहीं है। तो हमारा जो यूथ है उत्तराखंड का बड़ा संघर्षशील है, श्रमशील है, मेहनतकश है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा लिटरेसी है उत्तराखंड की, वो कतिपय जो मैदानी अन्य राज्यों से बहुत बहुत अच्छी है। तो ये जो बेरोजगार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो पंजीकरण हो रहे हैं, ये बड़ी चिंता की बात है। और ये भी सच है कि सरकारी सेक्टर में औसत सीमित होते हैं। हमारे अगर प्रदेश की बात करें कि तो 2-2.5 लाख लोगों को नियोजित किया जा सकता है और बेरोजगारी इतनी है। तो हम लोग जो हमारे कमी ये रही कि हम अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाने की दिशा में भी कुछ नहीं कर पाए, उनको उनका स्किल बढ़ाने की दिशा में हम कुछ नहीं कर पाए। आपको संभवतः किसी ध्यान नहीं होगा या जानकारी नहीं होगी, एक MSME के तरह स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास के कार्यक्रम उत्तराखंड में पिछले 2-3 साल से ठप है। तो कैसे, जब कौशल होगा तभी तो बच्चा कुछ करेगा, आगे बढ़ेगा, और प्रोत्साहन नहीं। देखिए, किसी की सफलता के लिए मैं जो समझता हूँ उसमें जैसे चारपाई होती, चार पाए होते हैं, एक पाया हटा दीजिए तो चारपाई का जो प्रयोजन होता है वो पूरा नहीं होता है। तो उसी प्रकार से जो एक कामयाब होने के लिए जो हमें चाहिए उसमें जो पहला है कौशल, चार पाए, कौशल के साथ साथ हमें चाहिए सहयोग, कॉपरेशन भी चाहिए सबका, और साधन भी चाहिए, और चौथा जो है वो समय, टाइम, उसको हम टाइम का भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें, तब जाके कामयाबी होती है। तो देखिए, आप भी जान रहे हैं कि इन चार चीजों में कहाँ कमी है। एक बेरोजगार युवा अगर बैंक में ऋण लेने के लिए, स्वरोजगार के लिए जाता है तो उसको धक्के खाने पड़ते हैं, और ये कतिपय, बिना नाम लिए कहूँगा, हजारों करोड़ के बैंकों से ऋण लेकर के लोग विदेश भागते हैं। और यहाँ क्या होता है, यहाँ जब बच्चा कोई 1,50,000 का ऋण लेने जाता है तो तमाम राइडर लगते हैं, बड़ी दिक्कत है। हमसे भी, हम भी बात करते हैं, तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने जो स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी की बैठक में इस बात को उनकी समझ में आ तो गया, और उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त की कि बेरोजगारों को बैंक जो है धक्के ना खिलाए, और उनको जो है उनकी मांग के अनुसार, उनके प्रोजेक्ट के अनुरूप उनको ऋण दिया। आप उसकी स्वरोजगार की बात कर रहे हैं लेकिन उनके पास साधन नहीं है, साधन से मतलब मेरा यह है कि वही जो आर्थिक रूप से उसको चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो मेरी भूमिका मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण इस संदर्भ में हो सकती है कि मैं कुछ आपको बता पाया हूँ।
और आप सभी लोगों का धन्यवाद। और चाहूँगा कि हम अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को उन चीज़ों से जागरूक करें। थैंक यू, थैंक यू। साथियों, पूरे समय से मैं आप लोगों को सुन रहा था और अब हमारा टॉपिक आया है एग्रीकल्चर पर। आप उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के बाद उसको देखिए। मैं अभी सुन रहा था, इससे पहले मेरे पूर्व वक्ता, मेरे बड़े भाई कुछ बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम धारा 371 की बात क्यों ना करें। आप ये बताइए, हरिद्वार, देहरादून, उद्धम सिंह नगर में सारी जो जमीनें हैं वो बिक चुकी हैं, उनमें आपने कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं। आप पहाड़ों पर जो हमारी गंगा, जमुना, राम नदी है, उस पर वो खेत सिंचित नहीं कर पाए, उसके लिए कोई योजना हमारी सरकार 20 वर्ष में नहीं बना पाई। आप उसके बाद देखिए, अगर हमने बागवानी पर बात करनी थी हिमाचल के तर्ज पर, अगर हिमाचल को भी देख लेते, उसकी नकल भी कर लेते, तो भी हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ गया होता। हमारे पास ऐसे बहुत सारे भौगोलिक क्षेत्र हैं, ऐसे बहुत सारे जिले हैं जिनमें सेब का उत्पादन बहुत बेहतरी से किया जा सकता है। हमने एग्रीकल्चर में अगर यदि बात कहें तो हमारी सरकारें और हम स्वयं दो कदम आगे नहीं बढ़े। मैं ये सारी सरकारों पर दोष देने का वक्त नहीं है, लेकिन हमने किया क्या, इस पर तो आज चिंतन करना होगा, और हम भविष्य में क्या करने वाले हैं इस पर चिंता करनी चाहिए। आप लोगों ने जो प्रोग्राम आयोजित किया है उसका निष्कर्ष भी होना चाहिए, उस पर निर्णय भी होना चाहिए। तो हम किस निर्णय पर जा रहे हैं? पलायन पर आप लोगों ने बात की, शिक्षा पर आपने बात की, तो हमारा निर्णय क्या है? हम लोग क्या करना चाहते हैं? कृषि पर, बागवानी पर हम ये करना चाहिए कि यदि आपको वाक्य में ही कुछ करना है तो अपनी जो लैबोरेटरी है, टिश्यू, जो हमारा सेब बनाने की जो बागवानी का जो आपने भीमताल में बनाया है, उस लैबोरेटरी को मजबूत करिए। आपने अगर यदि कृषि विश्वविद्यालय, उत्तराखंड में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है बंदनगर विश्वविद्यालय, उसको डैमेज करने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं। आपको उस पर चर्चा करनी चाहिए कि वो विश्वविद्यालय हमारा विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय है, उस पर हमारी सरकारें क्या कर रही हैं। आप उनके सरकार के खिलाफ लड़िए। आप अगर यदि उसमें अच्छे उत्पादन में हमारी जो मैदानी जमीनें हैं उन पर अगर यदि धान बोते हैं या गेहूं बोते हैं, गन्ना बोते हैं, आप, मैं किसानों का बड़ा साधुवाद और बहुत बारीकी से मैंने आंदोलन को देखा है, मैं MSP को देख रहा था। आप क्या समझते हैं क्यों नहीं सरकारें वो लागू करती हैं? सरकारें इसलिए लागू नहीं करती, उनको गन्ना खरीदना है, उनको गेहूं खरीदना है, उनको धान खरीदना है। जिस दिन MSP लागू हो गई तो सबसे ज्यादा कीमतें इनकी बढ़ेंगी। आप स्वामी रामरत्न की रिपोर्ट के आधार पर अगर आपने लागू कर दिया तो इनकी कीमतें बढ़ने के बाद सरकारें दिवालिया हो जाएंगी और कोई भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपके MSP लागू करने के लिए तैयार नहीं होंगी, चाहे मैं सरकार में रहूं, चाहे आपका कोई नुमाइंदा सरकार में रहे। लेकिन जहां तक पॉलिसी बनाने की बात आएगी, जहां पर जिस व्यक्ति की किसी भी बात पे, किसी पॉलिसी पर, मैं आपका मंच हूं, आपने बहुत बेहतरीन मंच दिया। जब लंबा समय होगा कभी हम चर्चा करेंगे, कृषि पर बात करेंगे, कृषि पर निर्णय होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। पर्यटन पर बात कर रहे था मैं पहले, इससे पहले पर्यटन पर बोलना चाह रहा था लेकिन मैं लेट हो गया, मुझे भी कहीं बीच में और जगह जाना था, तो पर्यटन पर, टूरिज्म पर हम बात करना चाहते थे। उत्तराखंड में टूरिज्म किस प्रकार का टूरिज्म है? हम लोगों ने, आप देखिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हमारा हेमकुंड, हमारा प्रयाग कलियर, हमारे यहाँ देवभूमि है। सारे लोग आस्था पर हमारे लोग आते हैं, पूरे विश्व का लोग हमारे यहाँ आता है। हम लोगों ने उसका रिकॉर्ड तक हमारे पास नहीं है। तो सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि उनको पर्यटन के आधार पर भी बात करें। अभी हम एक रोड बना रहे थे, हमने एक प्रस्ताव दिया, जब माननीय NDT तिवाड़ी जी थे मुख्यमंत्री, तो हमने कहा जो हमारी जो बॉर्डर, जहाँ पर बर्फ गिर रही है, जिन गाँव में बर्फ गिर रही है, उनको आपस में कनेक्ट कर दीजिए। एक अगर सड़क आपने गोल में बना दी होती उत्तर ऊपरी पहाड़ों में, तो ये पलायन भी रुक गया होता और जो होम स्टे आप बना रहे हैं वो सारे चल पड़ते, और हमारा जो पलायन, आप बात कहते हो कि पहाड़ का आदमी नीचे, ये भारत का अधिकार है, हमारा उत्तराखंड की जमीन है, उत्तराखंड की जमीन है उद्धम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार। यदि हमारा पहाड़ जिले का टेहरी में कोई परेशानी है तो अपने जिले में आ रहा है तो कोई एहसान नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा ये है कि देश में पलायन हमारे यहाँ से रुकना चाहिए, पहाड़ों में आदमी रुकना चाहिए। हमें सोचना चाहिए, देहरादून वालों को सोचना चाहिए, उद्धम सिंह नगर वालों को, हरिद्वार वालों को सोचना चाहिए कि वो पहाड़ में कैसे रुकेगा। आपने उनको व्यवस्थाएं क्या दी हैं? ना शिक्षा की उनकी व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना आपको रोजगार की आपने व्यवस्थाएं उनको रोजगार से जोड़ा है।
तो ये चीज़ें मूलभूत सुविधाएं अगर यदि पहाड़ में होंगी तो पलायन भी रुकेगा। बहुत सारी बातें मैं पुनः आप सभी लोगों का, क्योंकि मुझे बहुत आप लोग जितने लोग भी सुन पा रहे हैं, मैं आप सभी लोगों का साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने स्तर पर अपनी बातें रखी और मुझे भी इस मंच को बोलने का अवसर दिया। मैं आप कभी और किसी मंचों पर भी, मैं निरंतर हम लोग प्रयास करते हैं कि आप लोगों से संवाद करें, और मैं सभी आप आयोजक लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल, जय बद्री केदार। सबसे पहले तो आपका आपकी क्षमता का आभार, धन्यवाद, बधाई के बाद, क्योंकि आज का जो युग है वो इस तरीके की ओर जा रहा है कि केवल सरकार केंद्रित है, और सरकार और सब की ये चाहती है, उनका एक छुट्टी कार्यक्रम है कि गद्दी हथियाना, कुर्सी हथियाना, समाज से कोई चिंता की बात नहीं। अभी जब हम बात कर रहे थे, कभी शिक्षक हूँ, कभी भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव हूँ, और मुख्य बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि भाई हमारा जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो एक केवल दिखावा, टीवी प्रचार, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि हमारी जो बेरोजगारी है, हम जो रोज देखते हैं, मैं तो डराकर की बात करता हूँ, मैं ऊपर की बात नहीं, आंकड़े में मैं विश्वास नहीं करता। आंकड़े जिस तरीके से चाहे उस तरीके से हम ले जा सकते हैं, सरकारें आंकड़े प्रस्तुत करती है। बेरोजगारी जहाँ तक बात है, हमारे देश के अंदर इतने लंबे समय में समाप्त नहीं हुई, उसका मुख्य कारण हमारी सरकार है, पॉलिसी है, शिक्षा नीति है हमारी, हमारी एजुकेशन, मैं भी टीचर हूँ, हम जब पढ़ाते थे या देखते थे, हम यह देखते थे कि ये किताबी शिक्षा, मैकानिक शिक्षा कब तक रहेगी, लेकिन आज तक हमारी सरकारों ने एक भी को एक सिंगल कदम नहीं बढ़ाया उसकी ओर। और शिक्षा पद्धति हमारी इस तरीके की है कि बाबू बना दे भी, कलर्स बना दे भी, हम देखते हैं कि जो बच्चे हमारे नौकरी 3,000-5,000 का काम कर रहे हैं, कोई इसमें बी कॉम कर रखा, कोई बी सी ए कर रखा, कोई एम बी ए कर रखा, कोई कुछ कर रखा, इतना पैसा उसके माँ बाप ने भूख लिया, और उसके बाद वो बेचारा 3,000 रुपये की नौकरी कर रहा, क्यों कर रहा। पहले तो हमारा यह है कि हमारी शिक्षा स्वरोजगार परक होनी चाहिए। जो आजकल के ये विद्यालय है, सबसे दिक्कत की बात यह है कि आज एक ट्रेंड बना है, पैसे कमाने के अलावा और कोई नहीं, जिसमें ज्यादा पैसा है उसी टाइप का विद्यालय खोला जाता है। अगर सरकार या सामाजिक संस्थाएं या और कोई, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी संस्था मैं भी बोलूँ कि उसमें जो प्राइमरी का बच्चा वो वहीं से सीख करके आए, मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखे, बिजली का काम सीखे, और कोई काम सीखे, कपड़े सीखना सीखे, जो भी सीखे, व्यवसायिक शिक्षा आजकल 70-80 साल में हमारे देश के अंदर नहीं आई। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि बेरोजगारी दूसरी चीज, हमारा जो गरीब तबका है उसको नौकरी नहीं चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसके आसपास इतना अधिक रोजगार है कि अगर उसे इस तरीके का माहौल दिया जाए, सुविधाएं दी जाए, शिक्षा दी जाए, तो वो स्वरोजगार अपना अपना सकता है, और सरकार के सामने भी ये लंबी चौड़ी कुर्सी मिल जाती है, ये नहीं होगी। तो मैं इसी के साथ ये कहता हूँ कि जो रोजगार की बात है, हमारे जो पर्वतीय क्षेत्रों की बात आई अभी तक, पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है कि पलायन हुआ और क्यों हुआ, हमारा तो उत्तराखंड 20 साल हो गए उसको बने को, लेकिन मेरा ये मानना है कि पलायन हर एक जगह से हो रहा है, लेकिन किसी आदमी और किसी कर किसी सरकार ने रोज कदम उठाने की कोशिश नहीं की। जो आपकी पार्टी छोटी पर बैठा गया उसको बिजली नहीं चाहिए, शिक्षा नहीं चाहिए, स्वास्थ्य नहीं चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए, वो बीमार होता तो देहरादून में सीधे सरकार क्यों बांधता है। आजकल सरकारों ने दी नहीं है शिक्षा, दी है सुविधा जी को, स्कूल बढ़िया देते, हॉस्पिटल बढ़िया देते, रोजगार बढ़िया देते, बिजली वहां पर देते, पानी वहां पर देते, सड़क वहां पर देते, देखे वहां का आदमी क्यों भाग करके यहाँ आता। मैं तो लिखता हूँ, मैं राइटर भी हूँ, मैं लिखता हूँ कई कई मैगजीन पर, और मैंने यही लिखा कि अगर सरकारें इतना करती तो आदमी किसी को अपना नहीं होता। जो आदमी पहाड़ का बेचारा वहाँ है, उसको अपना घर प्यारा है, परिवार प्यारा है, मातृभूमि प्यारी है, जहाँ वो पैदा हुआ। स्वरोजगार देखिए, जितने हमारे गाँव खेल है वो सब या तो शहरीकरण की ओर गए या फिर दिखावे की ओर गए, और जो हमारी मूलभूत आज पहाड़ों में क्या है, इतना अच्छा अनाज होता है बिना प्रदूषण का, लेकिन वहां पर क्या है, कौन कर रहा खेती, क्यों कर रहा वहां पर, हम भी किसान है क्यों करेगा खेती, जब उसको उत्पादन लागत के बराबर भी पैसा नहीं मिलता तो वो क्यों करेगा वहां पर रहकर खेती। उसको अच्छी जगह चाहिए, उसको पैसा चाहिए, उसको सुविधा चाहिए, जो चीज आप उसको देंगे तो वो क्यों नहीं करेगा वहां रह करके। और वहां इसीलिए अभी लोग बात भागते हैं, कहते हैं पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी, वो आदमी क्यों रहेगा, उसे बढ़िया सड़क चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, सुविधा चाहिए, आवाज चाहिए, सारी चीज उसको चाहिए। और अगर ये चीज वहां पर आप मुहैया करा देंगे तो मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि वहाँ का आदमी वहाँ रहना, इतनी बढ़िया जलवायु, इतना बढ़िया पानी, इतना बढ़िया अनाज, इतनी बढ़िया सब्जी,
फिर परिवार के बीच में रहता है, माँ के और दादा के दादी के सबके बीच में वहाँ रहता है। यहाँ बेचारा वो सिंगल परिवार है, क्या करेगा वो यहाँ करके। तो मेरा भी इस विषय में यही कहना है कि आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जो भी बात हो धरातल पर होती है, फिर बुरा कोई ना मानने, उसमें मैं यही चाहता हूँ कि हम जब भी बोले तो थोड़ा सा हिंदी भाषी जरूर हमें होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि यहाँ तो सब हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन कई जगह क्या आता है कि मैंने देखा कहीं पर तो वो बोल रहे थे अंग्रेजी, मैंने कहा फिर तुम ही बोल रहे, तुम ही सुन रहे। फिर जो एंकर था उसने कहा हिंदी में बोल रहे। धन्यवाद इसी के साथ में आपका, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हम जुड़ेंगे जितना भी होगा। मैं भी समाज सेवा में काम करता हूँ और जीवन भर जो आप बात करें, जो हमारे स्तर का काम उसको हम आप भी करते हो। धन्यवाद।